बरेली विधायक बिथरी चैनपुर के विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा और जितेश में नया मोड़ आ गया है। सबसे अपडेट ये है कि साक्षी मिश्रा और जितेश को किसी ने मारने की धमकी दी है और वो जाकर के सीधे साक्षी मिश्रा के ट्विटर अकाउंट पर लिखा है। आपको बताएंगे कि वो शख्स कौन है और क्यों दे रहा धमकी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भड़ताल को भी जान से मारने का धमकी दी गई है और इसका ऑडियो वायरल हो चुका है, जिस पर प्रशासन गहराई से काम कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से साक्षी मिश्रा और अजितेश के मामले को लेकर के पूरे यूपी में हलचल बढ़ गई है और बताया जा रहा है कि इसी मुद्दे को लेकर के अब लोगों में तरह तरह की बातें भी सामने आने लगी हैं। वहीं बताया जा रहा है कि पप्पू भड़ताल और विक्की भड़ताल भी इस कांड से डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कहीं उनके खिलाफ भी साजिश न हो जाए। मगर जिस तरह से बरेली में लोकल मीडिया हिंदुस्तान ने जिस तरह से मामले को उछाला है, वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि उसने खबर छापी है साक्षी के ट्विटर पर दी जान से मारने की धमकी और इस तरह की धमकियां उसे लगातार मिल रही हैं। दरअसल हुआ यूं है कि दीपक भारती नाम का एक बंदा जो साक्षी मिश्रा के ट्विटर अकाउंट में जा कर के इस बात को लिखा है कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, तवे पे जाएगी या फ्राई होगी, इस मुद्दे को लेकर के मामला तगड़ा हो गया है। और वहीं पूरे दिन प्रशासन और लोगों ने खूब माथापच्ची की कि आखिर ये कौन हो सकता है जिसने साक्षी को जान से मारने की धमकी दी है और उसने खुलेआम इस बात को ट्विटर पर जाकर लिखा है। दीपक भारती नाम का इस बंदे ने जो ट्विटर पर लिखा है, उसके बाद से सक्रियता पुलिस की बढ़ गई है, क्योंकि हाईकोर्ट इलाहाबाद ने पुलिस को पूरी प्रोटेक्शन देने की अनुमति दे रखी है और वहाँ के जो थानेदार हैं उन्होंने लिखा है, इज्जतनगर के थानेदार ने कहा है कि हम साक्षी और अजितेश को तब तक सुरक्षा देते रहेंगे जब तक उनको ज़रूरत होगी। वहीं साक्षी की बात अगर न करें तो अब चलते हैं पप्पू पर, क्योंकि पप्पू भड़ताल और राजेश मिश्र को भी जान से मारने की धमकी का एक ऑडियो वायरल हुआ है और जिसने इस ऑडियो को वायरल किया है वह अभी जेल में बंद है और वह पहले कभी पप्पू मिश्रा उर्फ राजेश मिश्रा का बहुत खास हुआ करता था और बताया जा रहा है कि गेस्ट हाउस से ही एक इस कांड को रचा गया था जो शहर के बगल में है और वहां पर वो शामिल था। अब उस गेस्ट हाउस की भी जांच हो रही है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने साक्षी को वहां गेस्ट हाउस में जाते हुए देखा था, मगर उन लोगों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाए। और विक्की भड़ताल जो पप्पू भड़ताल के बेटे हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं, वो मीडिया से बात कर रहे हैं और मामलों को जुटा रहे हैं। साक्षी के ट्विटर पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, अभी भी समय है, पेरेंट्स के पास लौट जा, पेरेंट को दुखी करने से खुश नहीं रहोगी, ऐसे सारे कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें, पिछले दिनों साक्षी मिश्रा ने अपना एक वीडियो डाला था फेसबुक पे, ट्विटर पर, कि उसे लोग बचाएं, उसके पिता जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उसके पीछे पुलिस लगा रखी है, उसकी सिक्योरिटी सुरक्षा दी जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर कई दिनों से ये कहानियां रची जा रही हैं, चल रही हैं, मगर नया मोड़ ये आ गया है कि अब साक्षी मिश्रा और पप्पू भड़ताल दोनों को जान से मारने की धमकियां मिली हैं। एक का ऑडियो वायरल हुआ है और एक पे फेसबुक पे जाकर के कमेंट किया है। दोस्तों, हमको बताना चाहेंगे कि इस तरह के मुद्दे पहली बार लगता है सामने आए हैं कि बेटी बाप से लड़ रही हो और पिता विधायक हो, उसके बाद भी वो कुछ न कर पा रहा हो, क्योंकि मुद्दा पूरी तरह से सोशल हो चुका है। अब इन कहानियों के पीछे जिनका भी हाथ रहा होगा वो सब सामने आने लगेगा, क्योंकि पुलिस कह रही है कि अब उसे हर पहलू पर नज़र बनाए हुई है, हर पहलू पर जांच कर रही है, इसके लिए कई टीमें बना दी गई हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर साक्षी मिश्रा का दुश्मन बाहर कौन है, क्यों धमकियां दे रहा है या किस लिए दे रहा है। हालांकि इन्हें तो सुरक्षा देने की पूरी गारंटी हाईकोर्ट ने पुलिस को दे रखी है और पुलिस भी अपने प्रोटेक्शन में लगी हुई है, मगर माना जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये धमकियां हैं और धमकियां ही बाद में बदलाव में आती हैं। हमारा मकसद था आपको साक्षी मिश्रा में अपडेट देने का और हमने आपको दे दिया, और ये सारी कहानी वहाँ के हिंदुस्तान अखबार पर आधारित है। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नमस्कार।